का एक साथ अंतिम संस्कार हो चुका है। गांव में मातम छाया हुआ है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पहुंचकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि परिवार के साथ हैं वो। समरेहा गांव में ये अंतिम संस्कार किया गया। कल सड़क हादसे में 19 मजदूरों की मौत हो गई थी और आप देखिए ये दो तस्वीर जहां पर एक साथ 19 मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही मीडिया से भी डिप्टी सीएम रूबरू हुए। काफी दुखद और साथ ही मातम का माहौल इस वक्त पूरे गांव में इलाके में 19 जो घरों के चिराग हैं वो बुझ गए और ऐसे में 19 मजदूर जिनकी एक साथ मौत हो गई। बड़ा हादसा, दुखद हादसा जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की तरफ से जो है दुख जाहिर किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी गई है। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी संवेदनाएं भी की हैं। उन्होंने घोषणा भी की है कि जो नहीं रहे उनके परिवार को 5 लाख रुपया, घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपया ये दिया जाएगा। हम लोग सब कल से लगातार लगे हुए हैं। हमारे समाज के मुखिया हैं फग्नू दुर्वे जी, हमारे विदेशी राम दुर्वे जी, काशी राम दुर्वे जी, रतिराम भट्ट जी, सभी लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ स्थानीय सरपंच हमारे श्यामू जी, स्थानीय हमारे सचिव हैं श्री राम जी, वो भी लगे हुए हैं। प्रशासन पूरा लगा था, कमिश्नर थे, आईजी थे, एसपी थे, कलेक्टर थे, डीएफओ थे, सब लोग। हम लोग घर घर घूम कर सारी व्यवस्थाओं को देखे हैं। आगे गाँव वालों ने कुछ काम भी बताया है, उसको भी करेंगे। आज सुबह किस तरह से तैयारियां करने में प्रशासन से मदद की गई? उन्होंने पूरा प्रशासन लगा ही हुआ है, कल से लगा है। ऐसी घटना के समय में, ऐसे दुख के समय तो सब साथ होते ही हैं, कोई बात नहीं। अब मदद की भी मांग की जा रही, कुछ नौकरियों की मांग की जा रही, किस तरह से विचार होगा? अब वो देखा जाएगा, उसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उस विषय पर क्या योग्यता है, क्या हो सकता है संभावना कि नहीं है, हो सकता है संभावनाएँ हों, हो सकता है ना हो, देखा जाएगा। दुख की घड़ी में सरकार खड़ी है। निसंदेह हम लोग सभी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सबके फ़ोन पर बात भी कराई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन पर बात भी की है, और स्थानीय विधायक भावना बोहरा जी, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये थी उप मुख्यमंत्री जिनका साफपूर्वक कहना है कि दुख की घड़ी में परिवार के साथ, गाँव के लोगों के साथ अब पूरी सरकार खड़ी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर 19 मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया। काफ़ी दुखद घड़ी है ये। कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 मजदूरों की मौत पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की और कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों। कवर्धा जिले के कुकदूर छान थाना क्षेत्रांतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है, कुछ घायल हुए हैं। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। तो सुना आपने डिप्टी सीएम का क्या कहना था। हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों से न्यूज 18 ने भी बात की है। परिजनों ने कहा कि सरकार ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के परिजन ने आर्थिक मदद के साथ ही नौकरी की भी मांग की है। मेरे परिवार के पिताजी और मम्मी था, हाँ, मतलब पहले तो 2-3 दिन पहले गांव के आसपास तोड़ते थे, उसके बाद मतलब 2 दिन गए थे, तीसरे दिन में ऐसा घटना हुआ है। किस तरह से मदद मिली है, क्या चाहते हैं आप? और कल आए थे ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। परिवार मेरे माँ और छोटा बहन है। कितने समय गाड़ी निकले थे वो लोग? ना सुबह 5 बजे
निकले थे पिकअप में, कितने समय तक लौटते थे? रोज ना 1 बजे तक घर पहुंच जाते थे। और मैं कल घटना हुआ था उस दिन कमरधा में था, मेरे एग्जाम चल रहे तो वहीं था, तो कॉल के माध्यम से मुझे बताया गया, फिर तुरंत मैं आया। फिर कैसे पता चला आपको? गांव वाले कॉल किए कि पिकअप पलट गया है आपके पारा का, मतलब हम लोग पारा का अलग अलग ग्रुप में जाते थे, तो हमारे पारा वाले लोग पिकअप में गए थे और एक एक, एक और ट्रैक्टर में गए थे, तो कॉल किए बताए कि पिकअप पलट गया है। तो थोड़ा तो पीड़ित परिवार का यही कहना है कि हमारे कई अपने जो है वो चले गए, हमने अपनों को खो दिया है, इसलिए हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी परिवार को जरूर सरकार दे। तो कवर्धा हादसे में मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर बात की। सीएम साय ने परिजनों से कहा कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है पीड़ितों से, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत कर कि हर संभव मदद जो है वो मुहैया कराई जाएगी। कवर्धा के बापानी घाट गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लेने के लिए राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा वहां पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि पिकअप में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, चालक की लापरवाही की वजह से वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे के तत्काल बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। नहीं ट्रैवल करना चाहिए, अब गांव में मैं जानता हूँ इस प्रकार के और भी ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, जिसको हम लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर यदा कदा जाते भी हैं तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उतने ही लोग जाएँ, इसको इंश्योर करना चाहिए। और समय समय पर जो इस प्रकार के माल वाहक हैं उनकी चेकिंग भी होनी चाहिए, उनकी फिटनेस है कि नहीं है। मैंने भी पुलिस अधीक्षक को भी बताया है कि इस प्रकार के जितने भी माल वाहक हैं उन सब की लगातार उनको बुला के कार्रवाई भी हो, इनको अवेयरनेस। हम इस वक्त उस घाट में मौजूद है जहाँ से पिकअप वाहन नीचे गिरा है। इस ऊंचाई को आप देख सकते हैं, इस ऊंचाई में ब्रेक फेल होने की वजह से जो पिकअप वाहन है वो लुढ़कते हुए नीचे तक गया है, गहरी खाई। हालांकि ये सड़क का दूसरा हिस्सा है जहाँ हाइट में रहते हुए जो वाहन है वो नीचे गिरा है, उसके पूरी तरह से खच्चे उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊँचाई से गिरने के बाद इसमें बैठे जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। यही वजह है कि इस दर्दनाक हादसे में जो है 18 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि इससे ऊपर जहाँ हम खड़े हैं उससे और काफ़ी जो आगे हिस्से में ये पिकअप वाहन है वो लुढ़कते हुए आया है। और यहाँ पर जो कपड़े हैं, जो चप्पल हैं, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो ये मजदूर हैं उनके चप्पल जो है यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं, और ये उनके जो साथ में लाए हुए थे गमछे हैं भी, ये है जो जानकारी अभी हमें मिल पाई है। उसके हिसाब से ये कहा गया था ड्राइवर के द्वारा कि जो जितने लोग हैं वो अगर कूद सकते हैं तो गाड़ी से कूद जाएँ, तो ऐसे में जो पुरुष वर्ग थे वो तो गाड़ी से कूद गए, लेकिन जो महिलाएँ जो बच्चे जो दो जिनकी मौत हुई बता रहे वो नहीं कूद पाए और वो सीधे गाड़ी के साथ वो लुढ़कते हुए वो खाई में गिर गए, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो चुकी थी और जो बाकी 5 लोग हैं उनको रास्ते में ले जाते हुए उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। जो 4 ज़्यादा घायल लोग हैं उन्हें उपचार के लिए जो जिला अस्पताल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर है वहाँ पर ले जाया जाए। आप देख सकते हैं कि ये वो सड़क है जहाँ से मोड़ में ये हादसा हुआ है और ये इसकी चौड़ाई काफ़ी है, सीधा सीधा ब्रेक फेल जो हुआ है इसकी वजह से ये हादसा सामने आया।